तो जहां एक तरफ भारत के बगल में मौजूद आइलैंड मालदीव में चीन रक्षा सहयोग देने की बात कर रहा है, वहीं भारत ने मालदीव में चीन की बढ़ती दखल को काउंटर करते हुए चीन के दक्षिण साइड में मौजूद एक आइलैंड देश फिलीपींस में अपनी पकड़ को मजबूत बनाते हुए ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल को डिलीवर भी कर दिया है। और इस खबर के फैलते ही भारत और फिलीपींस की चर्चा दुनिया के सभी देशों में बनी हुई है। और इस खबर के चीन को मिलते ही चीन को भी करारा झटका लगा है और चीन की चिंता बढ़ते हुए देखा जा रहा है, क्योंकि चीन ने भारत को मालदीव की तरफ से घेरने का जो प्लान तैयार किया था, भारत ने उसी प्लान को उल्टा चीन पर लागू कर दिया है। और आप इस समय जो तस्वीर देख रहे हैं, यह तस्वीर भारत की तरफ से ग्लोब मास्टर से उतरते हुए ब्रह्मोस मिसाइल की है, जो कि इस समय फिलीपींस में लैंड कर चुकी है। यानी कि भारत ने पहली बार फिलीपींस में ब्रह्मोस मिसाइल तैनात करने के लिए सक्सेसफुली डिलीवर्ड कर दिया है, जिसे फिलीपींस चीन की सीमा पर तैनात करने के लिए इस्तेमाल करने वाला है। आखिर पूरी अपडेट क्या है, इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत ने चीन को उल्टा जवाब देते हुए मालदीव की तरह ही दूसरे आइलैंड फिलीपींस में अपनी पकड़ को मजबूत बना लिया है। उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए एक सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल अगर आप इस मैप को देखें तो यह है भारत का दुश्मन देश चीन, जो कि भारत के खिलाफ नए नए कारनामे करता रहता है। और अगर चीन के दक्षिण पश्चिम एरिया पर ध्यान दें तो यह है हमारा भारत देश, और भारत से लगभग 700 किलोमीटर समुद्री रास्ते दक्षिण पश्चिम की ओर आने पर मौजूद है मालदीव देश, जहां पर चीन अपनी दखल को बढ़ा रहा है और जासूसी जहाज भी भेज रहा है। यहां तक कि चीन ने मालदीव को फ्री मिलिट्री सुरक्षा देने तक का वादा कर दिया है, लेकिन अभी तक चीन मालदीव में अपनी सैनिकों को नहीं भेज पाया है। और यदि भारत से पूर्वी दिशा में समुद्री रास्ते से थोड़ी दूर और चलकर आए तो यहां पर मौजूद है फिलीपींस, जो कि मालदीव की तरह ही छोटे छोटे आइलैंड से मिलकर यह देश बना हुआ है। और इसके समुद्रों के बीच बसे होने के कारण मालदीव के अपेक्षा इसकी प्रकृति सुंदरता किसी भी मामले में कम नहीं है। और अगर फिलीपींस की बात करें तो यह देश चीन की दक्षिण पूर्वी एरिया में बसा हुआ है, जो कि चीन की जियोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन हाल ही में जो खबर निकलकर आई है उसने चीन की चिंता को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है, क्योंकि भारत की तरफ से ब्रह्मोस मिसाइल का पहला बैच फिलीपींस में डिलीवर किया जा चुका है। और कमाल की बात यह है कि भारत फिलीपींस में अपनी पकड़ बनाने के साथ साथ डिफेंस हथियारों को एक्सपोर्ट करके एक अच्छा खासा मुनाफा भी कमा रहा है, क्योंकि भारत ने जो ब्रह्मोस मिसाइल का पहला बैच डिलीवर किया है, इसके लिए भारत और फिलीपींस के बीच लगभग $375 मिलियन की डील फाइनल हुई थी। और आपको बता दें कि भारत की तरफ से फिलीपींस को जिन ब्रह्मोस मिसाइलों को भेजा गया है, यह कोई छोटी मोटी मिसाइल नहीं है, बल्कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिन्हें एयर डिफेंस सिस्टम द्वारा भी डिस्ट्रॉय करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, जिसकी टेस्टिंग हम पाकिस्तान में इस मिसाइल को दाग कर चुके हैं, जहां इस ब्रह्मोस मिसाइल को पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम भी नहीं रोक पाया, जो कि चीन के द्वारा पाकिस्तान में तैनात किया गया है, जिसका रीजन यह बताया गया कि गलती से भारत की ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान में लॉन्च हो गई थी। फिलहाल चाहे कुछ भी हो, लेकिन इसी बहाने भारत को ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत आजमाने का मौका मिला, और फिलीपींस इसकी ताकत को देखकर यही मिसाइल खरीद रहा है, जिसका पहला बैच आज से एक दिन पहले डिलीवर किया गया। और अगर आप इन वीडियो फुटेज को देखें तो इसमें सभी के चेहरे पर खुशियां छाई हुई हैं और सभी लोग मिठाइयां बांट रहे हैं, और यह मिठाई कोई आम मिठाई नहीं है, बल्कि यह चीन के बर्बादी की शुरुआत है, और इसकी कीमत सिर्फ और सिर्फ चीन ही बता सकता है, क्योंकि चीन की एक गलती के कारण दिन पर दिन चीन और फिलीपींस के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है। क्योंकि हाल ही में साउथ चाइना सी से गुजरने वाली फिलीपींस के एक वेसल्स पर चीन के कोस्ट गार्ड द्वारा डैमेज दिया गया, जिससे फिलीपींस और चीन के बीच और भी ज्यादा तनाव बढ़ गया, और फिलीपींस अपनी डिफेंस सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए भारत से हथियारों की सप्लाई ले रहा है। और एक तरफ देखा जाए तो फिलीपींस भी चीन का दुश्मन देश है और भारत भी चीन का दुश्मन देश ही माना जाता है।
यानी कि भारत ने दुश्मन के दुश्मन देश से हाथ मिला लिया है, और एक तरफ जहां चीन भारत को घेरने के प्रयास में जुटा हुआ है, वहीं भारत में फिलीपींस में ब्रह्मोस मिसाइल डिलीवर करके चीन को घेरने की शुरुआत भी कर दी है। फिलहाल अगर आप इस मैप में देखें तो यह जो एरिया सराउंडेड है, इसे साउथ चाइना सी कहा जाता है, जिसके 80% हिस्से पर चीन अपना कब्जा बताता है। जबकि देखा जाए तो यह समुद्री एरिया चीन के अलावा सिंगापुर, वियतनाम, मलेशिया और फिलीपींस जैसे देशों के बगल मौजूद है, यानी कि यह इन सभी देशों का समुद्र है और यह इन देशों के ट्रेड रूट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिससे यह समुद्री एरिया काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां तक कि भारत का ट्रेड अमेरिका और जापान जैसे देशों के साथ होता है, तो इसे साउथ चीन सी के रास्ते ही जहाजों को भेजा जाता है। यानी कि स्ट्रेटेजिकली समुद्र का यह एरिया केवल भारत के लिए ही नहीं, बल्कि दुनिया के कई देशों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको बता दें कि दुनिया का समुद्र से होने वाले कुल व्यापार का एक तिहाई हिस्सा केवल इसी समुद्री रास्ते से किया जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी साउथ चीन सी के इस पूरे एरिया को चीन अपना बताता है, और इसीलिए जब फिलीपींस, इंडोनेशिया और वियतनाम अपने ट्रेड रूट के लिए समुद्र के इस रास्ते का इस्तेमाल करते हैं, तो चीन उसमें दिक्कतें पैदा करता रहता है, जिसके कारण इंडोनेशिया, फिलीपींस और वियतनाम, इन सभी देशों के साथ चीन के रिलेशन बिगड़े हुए हैं। और इस समय देखा जाए तो जब फिलीपींस अपनी सैन्य सुरक्षा को मजबूत कर रहा है, तो हथियारों की सप्लाई के लिए भारत की ओर अपने हाथ को बढ़ा रहा है, और भारत को जिन ब्रह्मोस मिसाइलों का ऑर्डर फिलीपींस की तरफ से रिसीव हुआ था, भारत ने उसको सक्सेसफुली फिलीपींस में पहुंचा दिया है। और आपको बता दें कि भारत की इन ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल को दुनिया की वन ऑफ द फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल में कंसीडर किया जाता है, क्योंकि इसकी स्पीड लगभग 990 मीटर पर सेकंड है, यानी कि इसकी जो स्पीड है वह आवाज की गति से लगभग 2.8 गुना ज्यादा है, और यह अपने साथ 300 किलोग्राम के वजन को लेकर 290 किलोमीटर की एरिया में किसी भी टारगेट को आसानी से हिट कर सकती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी क्रूज स्पीड बहुत ज्यादा होने के कारण रडार इसको आसानी से पकड़ नहीं पाते, इसीलिए इसकी कैपेसिटी इतनी है कि चीन में तैनात किए गए एयर डिफेंस रडार सिस्टम के बावजूद भी हम वहां पर फायर कर सकते हैं। यानी कि कुल मिलाकर चीन भारत को घेरने के लिए मालदीव को फ्री में सैन्य सुरक्षा देने की बात कर रहा था, लेकिन उसके पहले ही भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल डिलीवर करके चीन के नाक के नीचे दम कर दिया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि मालदीव को चीन फ्री में सैन्य सहयोग दे रहा है, लेकिन भारत ने तो फिलीपींस को पैसों में ब्रह्मोस मिसाइल को बेच दिया है। बाकी आप लोग भारत के इस महान कारनामे के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखें, और इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।